हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। माय नेम इज़ आयुष पासवान और आज की जो वीडियो है वो एक बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पे है, मेघालय के। देखो, इंडिया एक मैन डोमिनेट सोसाइटी है। यहाँ इंडिया में जैसे हम कहेंगे पेट्रियार्कल सोसाइटी, यहाँ पर पुरुष लीड करता है सोसाइटी को। पर अब तो वैसे काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं, अब इंडिया में काफ़ी हद तक इक्वालिटी है। मैन और वुमेन दोनों को अब काफ़ी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, पर स्टिल मेघालय में सदियों से एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कि वहाँ पर वुमेन जो हैं वो लीड करती हैं। वो एक मैटरनल सोसाइटी है वहाँ की, तो ये वीडियो उसके बारे में है कि क्या है वहाँ का कल्चर और वुमेंस का वहाँ के कल्चर या फिर वो सोसाइटी में कितना रोल रहता है। तो आज जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। वो बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो है, तो मुझे लगा कि भाई मुझे इस पर रिएक्शन देना चाहिए। तो साथ वीडियो और फिर करके बाकी की बातें। 1 2 3 वीडियो थोड़ी सी लंबी है, पर आप पूरी जरूर देखना, आपको अच्छी लगेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट के इस खास अंक में। हम हैं आज मेघालय में और मैं हूं रविंद्र सिंह शोरान। मेघालय का नाम सुनते ही आपके जहन में हसीन वादियां, झरने, पहाड़ और बरसात आ गई होगी, लेकिन यकीन मानिए जिस अनछुए पहलू को हम आज आपके सामने रूबरू कराने जा रहे हैं वो उससे भी कहीं खूबसूरत है। और इसकी हसीन वादियों की खूबसूरती आपको उसके सामने फीकी दिखाई देगी। हम आपको दिखाएंगे आज मेघालय के महिला प्रधान समाज की एक झलक। यह है मेघालय का नोहवेट गांव। राजधानी शिलोंग से करीब 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस गांव में खासी जनजात के करीब 100 घर हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर जंगलों के बीच बसे इस गांव में कुछ घर आधुनिक तो कुछ परंपरागत हैं। एंशिएंट स्टाइल का घर है। खासी समुदाय के इस परंपरागत करीब 150 बरस पुराने घर में फर्श से लेकर दरो दीवार और छत तक हर चीज बांस से बनी है। इसको देखकर अंदाजा लग जाता है कि यहाँ के लोग कुदरत से कितना प्यार करते हैं। उसी प्रकृति के बनाए गए महिला और पुरुष, यहाँ के समुदाय ने सैकड़ों बरसों से महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले न केवल ज़्यादा अधिकार और सम्मान दिया है, बल्कि हर किस्म की गैर बराबरी को ख़त्म करके पूरे समाज के लिए एक संदेश दिया है। इस घर की सबसे छोटी बेटी पेडिंग 1 साल पहले शादी कर अपने पति लेडिंग स्टार को घर ले आई। उसी तरह जैसे पेडिंग की माँ करीब 40 साल पहले शादी के बाद पेडिंग के पिता को इसी घर में ले आई थी। दूल्हा सुनकर विदा होता जरूर हैरानी हुई होगी, लेकिन खासी जनजाति की परंपरा के मुताबिक शादी के बाद पति पत्नी के घर जाकर बसते हैं। ये नहीं कि खासी नंगलाया था दन कम रे बन आगे तक की दौरी एरो नता का कंठे का लोंग खम खली खम का लोंग खम दन बोर हाका लेंग का यो कत ลองคิดจริงอยู่ปัดแต่ไงไอ้อยู่กี่ไอ้กี่กันเทยกี่ฉันต่างกันเยอะก็पेडिंग अपने पति और अपने माता पिता के साथ इसी घर में रहती है।
पेडिंग का पति घर के कामकाज में उसका हाथ बटाता है तो खेती बाड़ी के काम में पेडिंग अपने पति की मदद करती है। After getting married, we have to stay in the girl house, in the wife house. And like the girl is more respectable. Like, what to say? What we respect them, not like the others, right? So here the girl is respected by the men, the society and all. It's our tradition. So we follow this by our grandfather, great grandfather from before. So we don't have any problem with this. पेडिंग के घर में आजकल हंसी खुशी का माहौल है क्योंकि कुछ दिन पहले ही इनकी बड़ी बहन बंसरा के घर दूसरी बेटी पैदा हुई है। लड़की के जन्म पर खासी समुदाय में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। खासी जनजाति मेघालय और बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। इस जनजाति में लड़की के नाम पर ही वंश को आगे चलाने की परंपरा है। कितना सही है ना, के बाद लड़के को लड़की का पत्नी नाम के साथ रहने के लिए उसके घर जाना पड़ता है, चलता है। शायद खासी समुदाय की ये परंपरा दुनिया में सबसे अलग और तो है ही, मतलब कमाल की। मैं तो मतलब शौक हो कि मेरे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। ये तो क्या वही खासी है, कहता है तो क्या करो कम पतंग में लोग बंग बोट नहीं किंतु थे ऐसा ये ताते हर जंग सुमार हर जंग पंजाब ये किंतु ये क्या नकलें क्लास में। खासी संस्कृति केवल गांव और सुदूर इलाकों में ही नहीं बल्कि इसकी जड़ें शहर और धनाढ्य परिवारों में भी काफ़ी गहरी हैं। आइए आपको एक ऐसे परिवार से मिलाते हैं जिसमें लड़की तो खासी समुदाय से है लेकिन लड़का बाहरी है। खासी समाज की ये परंपरा कितनी अहम है इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि मूल रूप से पंजाब के रहने वाले अजय पाल सिंह को भी खासी लड़की जयंती से शादी करने के बाद शिलोंग आकर अपनी पत्नी के घर पर ही रहना पड़ रहा है। हालांकि पंजाब में पत्नी को शादी के बाद पति के घर जाने का रिवाज है, अजय सिंह तो यहाँ पर उल्टा है ना। इसी समुदाय में महिलाओं का दूसरे समाज के मुकाबले ज्यादा सम्मान है। वो तो है। मैं कभी कभी जब उस तरफ जाता हूँ, when somebody just tells me कि कहाँ से आए हो, I say शिलोंग, they say शिलोंग, 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 so ऐसे मतलब मेरे को ऐसे याद दिलाना पड़ता है उनको कि चेरापूंजी सुना है आपने, चेरापूंजी में जा, they say हाँ हाँ हाँ, अच्छा वहाँ पे ऐसा होता नहीं लड़की के घर जाते हैं जी लड़का, सो मतलब एक उस तरह की मतलब एक सोच बैठ गई है सबके दिमाग में कि नहीं जी वहाँ ऐसा है। एंड मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो इक्वालिटी जो है दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट व्हाट्स द नॉर्थ ईस्ट। मतलब नॉर्थ ईस्ट में आप ये नहीं है कि आप लड़के हो तो आप मतलब क्या ऊँचे हो, हाँ तुम लड़की हो तो तुम ऊँची हो, ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स, यहाँ पे बहुत बैलेंस का हिसाब चलता है। अजय पाल सिंह की पत्नी जयंती कहती हैं कि खुले विचारों वाली खासी परंपरा के कारण उन्हें इस बात के लिए कभी सोचना ही नहीं पड़ा कि उनकी शादी किसी गैर जनजातीय व्यक्ति से हो रही है। मेघालय के समाज में महिलाओं को इतनी ताकत और अधिकार दिया जाता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मतलब कमाल है, बहुत इंप्रेस, और परिवार का समर्थन हासिल होता है। So that was understood that he has to come and stay with me because we never even discussed about it. Okay. It just automatically it happened, no? How we never discussed about it. He means knows that like, the culture is so deep rooted and you have imbibed this culture in yourself. Yes, that is already there. I mean, that's already there. And we discussed about religion and all we've discussed. He will not convert, I will not convert. Okay. He's a Sikh, I'm a Catholic, like in that way. That from before we've already discussed that we won't convert each other, we'll stay in our own faith. पंजाब तो खैर देश का ही हिस्सा है लेकिन खासी समुदाय के लोगों का यहाँ की संस्कृति और अपनी जड़ों से इतना गहरा नाता है कि शादी के वक्त खासी लड़की लेकेमेलेंग ने अपने इटली निवासी पति को भी साफ बता दिया कि उनको भी परंपराओं का निभाह करना होगा। खासी समुदाय के अभी तक की कहानियाँ देखकर आपको लग रहा होगा
थी ये दूर दराज के गांव में या फिर शिलोंग तक ही सीमित है, लेकिन इस संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हैं ये आपको तब पता लगेगा तो जब हम आपको लड़की के नाम से वंश आगे जो है चलता है, जिसमें लड़का आएगा, खासी समुदाय की लड़की की विदाई होगी, एक विदेशी से होती है और वो किस तरीके से अपनी विदेश की संस्कृति को छोड़कर खासी समुदाय के साथ अपने आप को जोड़ लेता है। Not in India, we don't feel safe. I can say that personally. I don't feel safe. Here, if we go 9, 10, 11, you know nothing will happen to you. But in cities, I don't want to go out after 6 or 7 if there is not a proper security or, you know, if you don't have someone to take care of you. I never feel safe outside Shillong or outside Northeast. Even we go to Guwahati, somehow you feel at home. But outside Northeast, no. Lekemeleng se shadi karne wale Italvi nagrik Pio ka manana hai कि आज जहां महिलाएं यूरोप में भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं खासी समुदाय में प्राचीन काल से महिलाओं को मिलने वाले अधिकार और सम्मान बेहद सराहनीय है। Of course, there are differences between Khasi culture and Italian culture, but I don't think it's very easy to explain because basically, Khasi culture is very strong. It's a very strong culture with very strong traditions and very strong roots also. In Italy, it is not working like this anymore now. I mean, 2018, it's too late now to speak about culture and traditions and everything now. आज समाज के बड़े तबके में जहां कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की खबरें रोज सुनने में आती हैं, वहीं खासी संस्कृति में इससे ठीक उलट न केवल लड़की के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं, बल्कि परिवार की संपत्ति पर भी केवल लड़कियों का ही अधिकार होता है। हालांकि लड़कियां अपनी मर्जी से संपत्ति का हिस्सा अपने भाइयों को देने के लिए आजाद हैं। खासी समाज मात्र सत्तात्मक है, जिसमें बच्चे पिता नहीं बल्कि माता के नाम से जाने जाते हैं। Whether it is in Khasi Jaintia Hills or in Garo Hills, we have this matrilineal societies, so which ensures that the lineage is now determined on the basis of a mother. And the property also goes to the youngest daughter, whom they call Khaddu. So here, it husband is not so important, but the maternal uncle is important. Within our boundary, even with Assam, with Bangladesh, but they never capture our naturality in life as created by the Supreme Being. We never offer what we believe to them, but we respect them. We are proud of what we have, but we never aggrandize this thing to others. खासी समुदाय में समाज की मदद से ही संपत्ति या पारिवारिक विवाद सुलझाए जाते हैं। शादी को लेकर भी खासी समुदाय में कुछ नियम हैं और समगोत्रीय विवाह ठीक नहीं माना जाता है। साथ ही हिंदू विवाह कानून के समान ही कुछ रिश्तों से शादी करने पर पाबंदी है, लेकिन इस सब के बावजूद भी महिलाओं के अधिकारों को सर्वोपरि रखा गया है। See, the thing is, when there's a dispute, the uncle and the family sit together and decide what is to be done. And literally, because since the ladies stay with the family, they don't go out. So naturally, there'll be no atrocities. Matlab jo jaisa it happens in other places. Here, things are mostly settled. In most cases, it's settled. कहते हैं कि एक मेहनती पुरुष का काम सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होता है और रात को नींद तक खत्म होता है, लेकिन यहाँ की महिलाओं के बारे में कहावत है कि उनका काम पालने से शुरू होता है और जिम्मेदारियाँ
जनाजे तक जाती हैं। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि क्या है मेघालय की राजनीति में महिलाओं की स्थिति और क्या कहते हैं महिलाओं के खिलाफ आपराधिक आंकड़े। सही बजेगा ये क्या? The place where they should have been. मैं अगर बस में बैठती हूँ और वहाँ पे कर दूँ सिर्फ उसी लिए सीट मिलेगा जिस because I'm a woman, I wouldn't want it. India figures 148 in the Committee of Nations as far as participation of women in governance is concerned. I personally support the idea that there should be some reservation for women just to change the culture. And education, I think, does need to improve to a great extent. And I think in villages at the moment, from what I have seen in my neighborhood, all workplaces are notorious for sexual harassment. They just don't come up. What I want to reiterate is that you need to speak up. It's high time, instead of stopping your girls, you know, don't talk like this, don't wear this clothes, don't behave like that. It's high time, start educating your boys. That treat them well. Okay. We take men as the standard. I feel that's the wrong way of looking at it. Okay. Let's take women as the standard if you're wanting to reach somewhere. Watch an enriching discussion on the journey of Indian women so far in the Pulse show on Rajya Sabha Television. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मेघालय की जनजातियों ने महिलाओं को मान सम्मान और अधिकार सब कुछ दिया है। इसी वजह से यहाँ की महिलाओं ने कारोबार से लेकर रोजगार तक हर क्षेत्र में खूब तरक्की हासिल की और समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ के राजनीतिक दल आज भी महिलाओं की इस तरक्की से प्रभावित नहीं दिखते हैं और यही कारण है कि राजनीति में यहाँ की महिलाओं का प्रतिनिधित्व न केवल कम है बल्कि काफी निराशाजनक है। ओके, राजनीति में आदिवासी बाहुल्य मेघालय का समाज मातृसत्तात्मक है। गारो, खासी और जयंतिया जनजाति में महिलाओं की अहम भूमिका है। घर हो या रोजगार, महिलाओं को इन जनजातियों में विशेष महत्व दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद महिलाओं की राजनीति में भागीदारी काफी कम है। They have taken up different kinds of jobs in the educational institutions or in the government institutions and others. But when it comes to politics, it is altogether different. So they definitely do play a very important role in family and also in civil society and even in government jobs and others. You have quite a few number. But when it comes to politics, very traditional institutions are proud of the matrilineal system, they prohibit women from becoming members of the local darbars. हाल ही में चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 370 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की, जिनमें केवल 32 महिलाएं उम्मीदवार थी। उनमें से भी केवल 3 महिलाएं विजयी होकर विधानसभा पहुंच पाई हैं। इसके पहले 2013 के विधानसभा चुनाव में कुल 345 उम्मीदवारों में से महिला उम्मीदवारों की संख्या केवल 25 थी और उनमें से भी सिर्फ 4 महिलाएं विधायक बन पाई। 2008 के विधानसभा चुनाव में कुल 338 में से 21 महिला उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत को आजमाया, जिनमें से केवल एक जीत पाए, विधायक बन पाई थी। चलो, 8 साल कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है। आंकड़ों के बावजूद पार्टियां राजनीति में महिलाओं की अनदेखी की बात नहीं मानती हैं। I don't think that the Congress party has been ignored the women representative to the political parties. As of now, if you see the Congress, we having almost 6 women candidate who are representing of the state of the in the assembly. So I think the
only Congress party which we have been giving recognition to the women in the political area. Meghalaya is supposed to lead by the women, but the scenario in the state is that the women are not coming to the front foot to seek for a ticket or to work for the political parties. राज्य की प्रगति में हर क्षेत्र में सकारात्मक योगदान देने वाली महिलाएं राजनीतिक दलों के इस रवैये से खासी नाराज हैं। महिलाओं का मानना है कि अगर इनको मौका दिया जाए तो ये समाज के साथ साथ राज्य की तकदीर भी बदल सकती हैं। They don't give us the chance because though ladies have got great capabilities and even in offices, high posts are always captured by male-dominated people. So ladies hardly get the chance to climb upper and upper. Mahila ka chance dije thora thora. Abhi sab to mil raha hai abhi. Abhi to yahan mein utne wala to sab gents hi hai. Ladies to nahi hai. इसीलिए आप लोग अभी क्या करेगा, आप लोग वहीं में मिला दीजिए, मौका मिले तो काम अच्छा करते हैं। जी काम करते हैं, अंदर का जितना भी काम पता चलेगा उन लोगों को पता होगा कहाँ में क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए मतलब सब जानते हैं वो लोग कि हम लोग को चांस देना चाहिए। अभी महिला लोग थोड़ा उठ रहा है, आगे बढ़ रहा है। बेटियों को बचाने, पढ़ाने और बढ़ाने के संघर्ष में लगे देश में मेघालय की जनजातियाँ महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन संदेश देती हैं। इनका संदेश समाज के हर हिस्से में प्रभाव छोड़ता है, लेकिन यहाँ के राजनीतिक दल आज़ादी के 70 साल बाद भी उससे प्रभावित नहीं हो पाते हैं। मेघालय की महिलाओं ने हर क्षेत्र में ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं। घर, दुकान या व्यापार, महिलाएं हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। जैसा आप लोग में फादर में टाइटल देता, लेकिन हम लोग खासी मदर में बड़ी बात, ये तो बहुत रिस्पेक्ट है ना। बहुत बुरा लगता, बहुत मारता ना बाहर में। तो जैसा मेरे पास भी अभी बेटा है, लेकिन हम और भी लड़की बच्चा चाहिए। ये कुछ कम हैरान करने वाली बात नहीं कि जहाँ दुनिया भर में महिलाएं अधिकारों के लिए आंदोलन कर रही हैं, वहीं मेघालय के जनजातीय समाज की युवा पीढ़ी के लड़के अब समाज में बराबरी की मांग कर रहे हैं। अच्छा। लड़के भी समाज में तवज्जो और अधिकार चाहते हैं। क्या बात है, वहां के लड़के मांग रहे हैं कि हमें बराबरी का वो तो मौका दो। एवरीथिंग इज गोस, ऑल द इनहेरिटेंस गोस टू द वुमेन, सो एस्पेशियली टू द यंगर्स डॉटर, शी कट्स एवरीथिंग। मेघालय की जयंतिया, गारो और खासी जनजातियों में महिलाओं का सुरक्षा और सम्मान है। इसी वजह से दहेज और घरेलू हिंसा का एक भी मामला अभी तक नजर नहीं आया है। फिर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध की अन्य घटनाएं होती हैं, हालांकि वो भी देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहद कम हैं। 2007 से 2016 तक मेघालय में महिलाओं के खिलाफ अपराध की कुल 172 वारदात से बढ़कर संख्या 398 तक पहुंची है। इनमें बलात्कार के मामले 82 से बढ़कर 190 तक पहुंचे हैं, लेकिन अपराध की संख्या में इजाफे का ज्यादातर आंकड़ा गैर जनजातीय समुदाय का है। हालांकि इन आंकड़ों से विचलित कई संगठन समाज को अपराध मुक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। We want there should be no crime, but there is crime. And if you are comparing with the rest of the country, we are a small state. And in spite of that, we have crimes against women and children. And we do not want such crimes to be there in a society. We want crimes to be like completely. There should be no crime. देखा जाए तो मेघालय के जनजातीय समुदाय में महिलाओं का ही वर्चस्व है। कला संस्कृति के केंद्र में भी महिलाएं ही हैं। ये
शाद मस्ती नृत्य इस समाज की सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। The liberation of our women right from the very initiative. We molded our custom in such a way that there is no difference economically in status or in whatever, even among our Khasi living everywhere in our land. That is the way where we pave the peace, harmony, and mutual coexistence right from our homeland. शाद मस्ती नृत्य के केंद्र में भी महिलाओं की मौजूदगी यहाँ के जनजातीय समुदाय की हकीकत को बयां करती है और दुनिया को महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने का संदेश भी देती है। दुनिया भर की महिलाएं अपने अधिकार और हुकूक के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं, लेकिन गारो, खासी और जयंतिया के जनजातियों ने सैकड़ों वर्षों से यहाँ के महिलाओं को वो तमाम अधिकार दे रखे हैं। सरकारें लंबे अरसे से जनजातियों की समाज को मुख्य धारा में शामिल करने की बात करती हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मुख्य धारा कौन सी है? क्या उस सभ्य समाज की यहाँ तो मुख्य धारा महिलाओं को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है और भ्रूण हत्या जैसी कुरीति से जूझना पड़ता है, या फिर वो इन जनजातियों की मुख्य धारा है जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से महिलाओं को खुला वातावरण दे रखा है? इस अंक में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे मेरे कैमरा सहयोगी सरोज के साथ दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ओके, तो ये थी वीडियो और सही में बहुत कुछ जानने को मिला मेघालय किसी खासी ट्राइब है उनकी कल्चर के बारे में कि भाई वहाँ पर औरतों को बहुत राइट्स हैं। इवन आय का जो पूरा वंश है वो औरतों के नाम से चलता है, प्रॉपर्टी औरतों के नाम पे होती है, औरतों को अपनी मर्जी से शादी वगैरह करने के राइट्स हैं। जो राइट्स यहाँ बाकी इंडिया में मेल को होती है वही राइट्स वहाँ पर फीमेल को है। क्योंकि सही में बड़ा ही प्रोग्रेसिव सी सोच आई और वहाँ पर लड़के डिमांड कर रहे हैं कि हमें इक्वल राइट मिलना चाहिए। सही, बिल्कुल उल्टा है। ऐसा लग रहा है कि पहले दुनिया है वो जो यहाँ पर चल रहा है उससे उल्टी चीज़ वहाँ पर चल रही है। सही में तो कमाल का है ये खासी ट्राइब, उनका का कल्चर पर बहुत इंप्रेस हूँ और सही में कमाल है। जैसा कि उन्होंने बताया कि नॉर्थ जो इटालियन जिसका हस्बैंड थे तो उन्होंने जैसे कहा कि नॉर्थ ईस्ट में वो बहुत सेफ फील करती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो बात सही है, मैंने भी बहुत सुना है कि नॉर्थ ईस्ट औरतों के लिए बहुत सेफ है और बाकी आप दिल्ली वगैरह का हाल तो जानते ही हो, यहाँ औरतें इतनी सेफ नहीं है भाई, रात में तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट बहुत प्रोग्रेसिव सोच वाला एक पार्ट है इंडिया का और हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए उससे। इसी नोट पे आप बताइए आपके जो भी कम्युनिटी है, ट्राइब है या फिर जिस भी आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उसमें क्या अच्छा है, हम जाना चाहेंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।